और इतना ऊपर जाने के बाद फिर से इतना ज्यादा मतलब 100% नीचे क्यों आ गया, और अभी क्या ट्रेंड रह सकता है गोल्ड का? हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से अगेन गोल्ड का एनालिसिस बताएंगे और गोल्ड के हमारे क्या ट्रेडिंग लेवल्स थे, और हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में गोल्ड के क्या ट्रेडिंग लेवल्स बताए थे, वो कितने अचीव हुए उसके बारे में बात करेंगे, और आने वाले जो लेवल्स हैं गोल्ड के उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें इसको ट्रेड करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया, काफ़ी लोगों के स्किन शॉट आए। तो लास्ट वीडियो में जो हमने एनालिसिस किया था वहाँ पर हमने आपको क्लियर कट बोला था, ये बताया था कि गोल्ड अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ पर देखिए गोल्ड आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा था इस रेंज में, तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि गोल्ड गिरेगा, लेकिन हमने बोला था कि गोल्ड के आपको 2075 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी बताई थी, अगर आपको याद हो मैंने आपसे बोला था एक लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट लगाकर कि इस वाले पॉइंट से गोल्ड बार बार गिरा है और ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से गिर सकता है, लेकिन क्या इस लेवल पर आने के बाद एकदम गिर जाएगा यहाँ से? मैं क्या ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड हमारे जो सिस्टम है, लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हायर आए हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इस वजह से गोल्ड ने और ऊपर तक के भी आपको टारगेट दिए। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा लगभग ये 2149 के आसपास। तो हर एक ब्रोकर में थोड़ा 2-3 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक ब्रोकर में जब स्पाइक आती है तो 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। बाकी देखिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि गोल्ड का अगर लेवल यहाँ तक के था तो उसके बाद ये इतना ऊपर क्यों गया, और इतना ऊपर जाने के बाद फिर से इतना ज़्यादा मतलब 100% नीचे क्यों आ गया, और अभी क्या ट्रेंड रह सकता है गोल्ड का? तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सब चार्ट के जो टूल्स होते हैं ये हटा लेता हूँ, ड्राइंग टूल, जिससे आपको कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमारे ये जो लेवल्स हैं दोस्तों ये सब अचीव हो चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं, और हम इनको पहले हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा चार्ट जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतनी चीज़ें हमारे लिए समझने में आसान होती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कितनी यहाँ पर क्लियरिटी से सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ये हमारा लेवल था जो अचीव हो चुका था, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अल्टीमेटली फाइनल लेवल था जिस लेवल से मार्केट काफ़ी बार गिर चुका था, उसके बाद मार्केट इतना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको लॉजिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब सभी को पता था कि ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो यहाँ से हर कोई बंदा सेल करना चाहेगा। अब जिसके पास जितना पोटेंशियल है, जितना बड़ा कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बंदा सेल करेगा। इसमें इंस्टीट्यूशनल भी हैं, हेज फंड भी हैं, और बड़े बड़े ट्रेडर भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर की ही हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ पर सेलिंग करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेलिंग कर सकता है, इसके अलावा कोई बंदा यहाँ पर भी सेलिंग कर सकता है, और कोई बंदा थोड़ा सा और यहाँ पर भी सेलिंग कर सकता है। अब जब ये लोग सेलिंग करेंगे तो दोस्तों ये लोग स्टॉप लॉस भी तो लगाएंगे, समझिएगा इस चीज़ को, स्टॉप लॉस भी तो लगाएंगे ये लोग। और जब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा तो कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा, कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकता है, कोई यहाँ पर लगा सकता है, और इसके अलावा कोई बंदा यहाँ पर भी लगा सकता है। तो यहाँ पर जो प्राइस ये ऊपर तक गया दोस्तों, तो ये जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बैंक होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो लेकर जाते हैं प्राइस को, क्योंकि यहाँ पर होते हैं रिटेलर्स के स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर देखिए बंच ऑफ क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं सेलिंग के, अगर हम यहाँ की बात करें तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर रहेंगे। तो वहाँ पर देखिए उनके पास एक बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि रिटेलर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ आपको दिख रहा था, अब हमने चार्ट के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया कि मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, तो यहाँ पर वो लोग भी एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस जा रहा है तो उनके, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए, और मतलब ज़्यादातर बंच ऑफ क्वांटिटी सेलिंग करेगी तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रहेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेकर गए, तो जितने लोगों ने सेलिंग की हुई थी उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, रिटेलर्स का लॉस हुआ, देन उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, और फिर से नीचे आने के बाद देखिए कितना नीचे तक आया। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, मैंने आपको लेवल लगा के दिखाया था कि आपका जो हायर लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। तो उससे पहले की बात करें, देखिए हमने तो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, और उसके बाद ऊपर तक भी गया, और उसके बाद नीचे भी आया। तो ये चीज़ आपको देखिए एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगी। यहाँ पर देखिए जिन लोगों के पास हमारा सेटअप है, प्राइवेट ग्रुप में मैंने बहुत ही
हाई प्रोफाइल सेटअप दिया है, अगर आप उसको लगा कर देखेंगे तो दोस्तों आपने यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। और ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आए हैं, क्योंकि जो हमारा सेटअप है वो मार्केट को आइडेंटिफाई करता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको बाइंग की ट्रेड देगा, लेकिन यहाँ से जैसे विक बनी मार्केट नीचे आना शुरू हुआ तो यहाँ पर तो कंसोलिडेट रहेगा, देन उसके बाद आपको डाउन ट्रेंड दिखाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये तो बात करी हमने अभी तक की कि गोल्ड में ये जो ऊपर का लेवल आया ये क्यों आया, इसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, टेक्निकल रीजन क्या है। अभी हम बात करते हैं जैसे कि गोल्ड आपको 2036 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो अभी हमें कैसे ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों ये वाला जो हमारा हायर लो था ये ब्रेक हो चुका है, तो क्या अब यहाँ पर हम बिंदास एकदम सेल कर दें, मार्केट एकदम नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमको सेलिंग कैसे करना है, क्योंकि मार्केट का जो चलने का बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ना। मार्केट में अभी ये फाइनल हमारा हाई बना, ये वाला हाई के बाद बना ये देखिए लो, देन लोअर हाई, देन उसके बाद बना लोअर लो, देन लोअर हाई, और अभी भी ये कन्फर्म नहीं है। यहाँ से मार्केट और भी ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि हमारा ये लोअर हाई तो ये वाला है ना प्रीवियस, यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, देन उसके बाद आपको अगेन एक न्यू लोअर लो देखने के लिए मिल सकता है। तो इस प्रकार से अभी आप मार्केट में सेलिंग में बने रह सकते हैं। यहाँ पर ये जो अभी प्राइस चल रहा है दोस्तों ये भी कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट कहाँ तक हो सकता है मैंने आपको बता दिया है, ये लेवल उसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है अल्टीमेटली, क्योंकि ये वाला है हमारा लोअर हाई, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सीख कर ट्रेड करना है। अगर आपने एक्सीडेंटली प्रॉफिट बनाया है, या फिर आपने किसी से टिप्स लेकर प्रॉफिट बनाया है, या फिर आपने अपना अकाउंट मैनेज करवा के प्रॉफिट बनाया है, तो दोस्तों उसमें आपको तो कुछ सीखने को नहीं मिला ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ नहीं रहने वाली है चीज़ें। और अगर आप सीख के काम करेंगे तो दोस्तों लाइफ टाइम मार्केट आपको पैसा देगा। और जैसे कि मैं बताता हूँ मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, और ज़रूरत है कि आप उसको कितना सीख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही होगी, और अगर आप इस नॉलेज के साथ साथ जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैपिंग करना बताया है, आप अगर ये भी सीखना चाहते हैं कि आप एंट्री किस प्रकार से लें, एंट्री एग्जैक्टली लेनी कहाँ पर चाहिए, तो दोस्तों ये आपको सीखने को मिलेगा हमारे प्राइवेट फॉरेक्स लर्निंग ग्रुप में, जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ग्रुप आपके लिए। लेकिन उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे लिंक से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होता है, और मैं बेस्ट ब्रोकर्स को रिकमेंड करता हूँ जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आप हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, देन हमारी एडवांस ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है उस ब्रोकर में जो मैंने आपको लिंक दिए हैं, तो दोस्तों आप अपना आईबी चेंज करके भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियोज़ और एनालिसिस कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।